Abuzada mate. Abuzada mate. हेलो गाइस, मैं जयेश फाले फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाला था कि कौन से प्लेस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उसमें कोंडेश्वर को ज़्यादा वोट मिला। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, कोंडेश्वर पूरा एक महीना बंद था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। चलो आज कोंडेश्वर चालू कर दिया गया है, तो चलो अपन कोंडेश्वर जाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करा दो आपको। कोंडेश्वर में पहुंच गए। पूरे एक महीने के इंतजार के बाद कोंडेश्वर में पूरा एक महीना कोंडेश्वर बंद था। पूरा जुलाई महीना कोंडेश्वर बंद था, तो अभी चालू हो गया कोंडेश्वर अगस्त में, इसलिए आज आ गए। पब्लिक ही नहीं है पर। देख लो बादल कैसे नीचे आ गए पूरे। यार आपके लिए इतना बारिश में भीग के हम लोग वीडियो बनाते, आप लोग यार लाइक और शेयर ही नहीं करते। लाइक करते जाओ यार, कमेंट में पता चल जाओगे। अभी कोंडेश्वर मंदिर से हम निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ ऊपर, जरा घूम के आते हैं। तो अभी कोंडेश्वर चालू हो रखा है, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कोंडेश्वर बंद होने के एक पीछे भी एक कारण है, वो है पब्लिक, जो कभी सुनती नहीं। टूरिस्ट लोग कभी सुनते नहीं किसी के यहाँ आने वाले, और ये जो सुनते नहीं है ना,
उसके कारण अपनी जान गवा बैठते यहाँ पे। वो लास्ट में वीडियो के बताऊंगा आपको मैं कहाँ जान गवाते हैं। इतने से पानी में प्रेशर इतना है कि पैर जमीन पे उधर नीचे रुक नहीं पा रहा था। हम लोग तो यहाँ हर साल आते हैं, पर जिनको पता नहीं होता एग्जैक्टली कहाँ पे स्विम करना है, कहाँ पे जाना है, वहाँ पे नीचे वो मंदिर के पास बैनर भी लगे हैं, पर कोई सुनता ही नहीं, उतर जाता है कुंड में। आप आओ अपनी फैमिली के साथ, पर थोड़ा रूल्स है, रूल्स भी फॉलो करो। वो जो मंदिर के पीछे एकदम जो बड़ा कुंड बना है उसमें मत जाओ, वहाँ पे लिखा है, बैनर भी लगाया हुआ है, पर कोई सुनता ही नहीं। वहाँ पे एक्चुअली ना खतरा है थोड़ा, अंदर ज़्यादा खड्डा है, तो पानी में उतरने के बाद एकदम गहरा ही है, अंदाज नहीं आता कितना गहरा है। गोल राउंड है, पानी गिरते रहता है, पानी घींच लेता है अंदर, तो इसलिए वहाँ के लोग जो साई के वो बोलते हैं मत जाओ। पर कैसे टूरिस्ट लोग नहीं सुनेंगे, हम तो बड़े हैं, हम किसी की नहीं सुनते। थोड़ा अपना भी ख्याल रखो यार, आपकी फैमिली साथ होती है आपके। जुलाई महीने के 2 या 3 तारीख को एक मतलब बंदा यहाँ पे डूब के एक्सपायर हो गया, क्या अभी बोल सकते हैं। सुनो यार, तो बस आपको यही कहना है, आओगे तो जरा अपना भी ख्याल रखना, कभी आप घर पे बता के आते नहीं बता के आते, अपना ख्याल रखो, बस जान से मत खेलो अपने। हाँ पता है एंजॉय करने के लिए आते हो आप, करो पर थोड़ा ध्यान से यार। देखो आप इस थोड़े, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसका बहुत फेवरेट जगह है, जब भी आता है तब यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आ जाता है। देखते हैं अभी, पानी बहुत ज्यादा है, कोई आइडिया नहीं उतरने का, पानी देख के ही समझ लो आप। देख लो पानी को, प्रेशर देखो इतना है ना, बहुत प्रेशर है पानी को, बारिश इतनी हो रही है। ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह देखो, सिर्फ ग्रीनरी और पानी ही पानी, पूरे बादल नीचे आए हुए। का
फैमिली व्लॉग, जो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। हमको अभी हमारा एक सब्सक्राइबर दोस्त मिल गया इधर, ये देखो अभी इसको थोड़ा सा खाना खिला रहा, खा लिया ना था। ये भी का पैसे होते रे, अजून घ्यायला पाहिजे होता। ये भी का देखो कितने प्यार से खुद का खाना उसको खिला रहा है। बाय। सब्सक्राइबर पीछे पड़ गया चेतन गामले के, घर तक आएगा बोल रहे। उसका पानी में उतर के वड़ा पाव खा के सब हो गया है। अभी निकल रहे हम लोग हमारी गाड़ी के पास अपनी फरारी की सवारी करने। देखते बीच में किधर कुछ जगह अच्छी दिखे तो उधर रुकते थोड़ा सा। और डैम बोझ डैम देखो, बारिश मतलब जब भी ज़्यादा नहीं, वैसे तो पानी पूरा एकदम क्लीन रहता है तो पूरा अभी वैसा एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी पानी हो गया। बारिश इतना नॉन स्टॉप गिर रहा है कि मतलब कुछ बोल नहीं सकते। मौसम की बारिश और बारिश का मौसम और एक छोटा सा रास्ता आने के लिए। तो भाई ने थोड़ा और घूमने का इरादा कर लिया, अभी आए एग्जैक्टली बोझ डैम के इधर, जो डैम का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। हाँ रुपए वाली वस्तु वाक ली ऊपर चढ़ गए। आपको एक 360 शॉट दिखाता हूँ पूरे डैम का। डैम नीचे उतर चुके हैं, वो नीचे आ रहा है अभी। और ये पीछे रास्ता गया है शूटिंग के लिए, बहुत अच्छी जगह है पीछे, मतलब एकदम शांत। देखते हैं अभी उसको आने दो, फिर देखते हैं कि अगर उधर जाने का कुछ मूड हुआ तो उधर भी आपको दिखाता हूं। भाई आ गया और भाई का कुछ मूड नहीं है वहां पे जाने का, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो अभी अपनी सवारी घर पे, चलो रास्ते में कुछ मिले तो दिखा देता हूँ। तो चलो घर पे आ गए, बीच में रास्ते में बारिश आ गई पूरा भीग गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को मत भूलना। शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। बस बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।